नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो ये ब्रेक है इसको पार्किंग ब्रेक बोलते हैं। इसको आप जब भी कार को पार्किंग में रखते हैं तो आपको हमेशा से इसको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर जो पार्किंग का ब्रेक है हमेशा से इस तरह से ये बटन होता है, बटन पुश किया और ये जो ऊपर उठा लिया, ऊपर उठाने से ये पार्किंग मोड में आ जाता है। ये पार्किंग के साथ साथ ये एक ब्रेक सिस्टम है जो कि पार्किंग के वक्त बहुत ही काम में आता है कार का, जो कार में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है इसको लॉक कर लेता है और पार्किंग में गाड़ी को ऊपर हो या नीचे हो इसको नीचे या ऊपर नहीं आने देता या कहीं भी खिसकने नहीं देता है। इसका ये काम होता है, ये पार्किंग ब्रेक है। ये पार्किंग के ब्रेक के साथ आप कभी भी ऊंचाई में हो या ढलान में हो आपको ध्यान में रखना है। ये पार्किंग ब्रेक जो है एक ब्रेक सिस्टम है, ये ब्रेक सिस्टम होते हुए बात तो करता है लेकिन यहाँ पर जो कुछ ख़राबी आ जाए तो अब गाड़ी मान लीजिए ढलान पे है तो गिर जाएगा, तो आपको ये गियर भी लगा लेना है। यहाँ पर आपको सेकंड गियर हो, कोई भी गियर हो, आपको गियर लगा के रखना है। ये गियर में रखने से, यहाँ पर एक गियर में होने से गाड़ी आगे पीछे नहीं होता है और पार्किंग ब्रेक भी होते हुए आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये दोनों तरह से ये जो मैनुअल गियर में है इसका काम करता है। या आप ऑटो गियर हो, ये ऑटो गियर में इस तरह से काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक गियर होता है, ये ऑटोमेटिक गियर वाला जो है वो ब्रेक सिस्टम पे काम नहीं करता है, सिर्फ पार्किंग में काम करता है। यानी कि ये आप मैनुअल कार जब चला रहे हैं, मैनुअल गियर के साथ साथ आप ये पार्किंग ब्रेक भी लगा के रखें पार्किंग में, ताकि आपका गाड़ी सुरक्षित खड़ी रहे और नीचे ना गिरने पाए। और आज के हमारा जो व्हीकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और मोर वीडियो देखने के लिए। और मुझे आज के लिए दीजिए अलविदा। तो फिर मिलेंगे कार इन्फॉर्मेशन, सभी तरह के कार के इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।